बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ आलू और कोफ्ते की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनेगी। इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं। चले बनाना स्टार्ट करते हैं आलू और कोफ्ते की रेसिपी। इसके लिए मैंने देखी मैं 3 चम्मच घी के लिए थे, जो मैंने अच्छे से गर्म कर लिया। अब इसमें प्याज ऐड करूँगी जो बारीक कटी हुई है, तकरीबन 3 से 4 दरमियान साइज के प्याज लिए थे जिसको बारीक चॉप कर लिया। अब इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी, काट लिया। और ये मैंने टमाटर और लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया, तकरीबन 3 अदर टमाटर लिए थे जो बारीक गोल साइज के काट लिए, और लहसुन और अदरक 1 चम्मच लिए थे, ये सब काट लिए हैं। और प्याज भी हमारा फ्राई हो चुका है, ब्राउन हो चुका है। अब इन सबको ग्राइंडर में डाल के अच्छे से जो है ग्राइंड कर लूँगी। ये सब ग्राइंडर में डाल ली है और इनको अच्छे से जो है बीच में मसाले डाल के ग्राइंड कर लूँगी। ये मैंने मसाले लिए हैं, हरी लाल मिर्ची 1 चम्मच, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया और 1 चम्मच नमक लिया था और इनको पीस लिया सबको। अब ऐड कर रही हूँ, ये सारा मसाला पीस लिया और ऐड कर रही हूँ अच्छे से कर लिए। मसाले भी बीच में मिक्स कर दिए थे, वो भी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब इन सब को मिक्स करके इनकी अच्छी सी जो है बनाई कर लूँगी। मसाले का जो पेस्ट है अच्छे से भून लूँगी ताकि जो घी है मसाले के ऊपर आ जाए। 10 से 15 मिनट के लिए जो है बनाई कर लेती हूँ इनकी। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से भून चुके हैं, घी ऊपर आ गया, मसाला भी हमारा अच्छे से भून चुका है और इसका कलर भी देखिए काफ़ी चेंज हो गया, मसाला अच्छे तरीके से भून गया। अब इसमें पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1 से 1.5 गिलास जो है पानी का ऐड कर रही हूँ। अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके अच्छे से जो है उबाइल आने दूँगी ताकि जो है अच्छे से उबाइल आ जाए, जब पानी अच्छे से उबल जाए। आप देख सकते हैं अच्छे से उबाइल आ चुकी है। अब ये मैंने कोफ्ते बना के पहले से मसाले बना के रख लिया, तो मसाले की जो वीडियो है वो मैंने पहले से अपने चैनल पे दिखाई हुई है, आप जाके चैनल पे विज़िट कर सकते हैं कोफ्ते के मसाले की वीडियो। अब ये मैं डाल रही हूँ कोफ्ते, ऐड कर रही हूँ एक एक करके। अब इसमें हमने चम्मच से नहीं हिलाना, अब देखते हो कपड़े से पकड़ के हिलाना है ताकि हमारे कोफ्ते टूट ना जाए। अच्छे से जो है एक एक करके डाल रही हूँ। एक एक करके डालना है, सारे गट्ठे नहीं डालने। एक एक करके आप देख सकते हैं डाल रही हूँ, गट्ठे नहीं डाल रही तो इसलिए एक एक करके डालने ताकि हमारे कोफ्ते टूटे ना। डाल दिया, अब इनको अच्छे से जो है 10 से 15 मिनट उबाइल आने दूंगी और साथ साथ हिलाती भी जाऊंगी ताकि ये टूटे ना, और अच्छे से उबाइल आने दूंगी ताकि हमारे कोफ्ते जो है पक जाए। आप देख सकते हैं अच्छे से पक चुके हैं, अच्छे से देखें कोफ्ते ऊपर आ गए हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया, अच्छे से बन चुके हैं। अब इसके ऊपर प्लेट दे के इसको साइड पर रख देते हैं और जो आलू हैं उनको उबाइल कर लेते हैं ताकि आलू गल जाए। इसके लिए मैंने ये 1/2 किलो आलू लिए थे जिसे मैंने प्रेशर कुकर में तकरीबन थोड़ा सा 1 से 1.5 गिलास पानी लिया और इसमें आलू डाल दिए और इनमें 1 चम्मच हल्दी डाल दी ताकि आलू पे जो है हल्दी का कलर चढ़ जाए। इनको अच्छे से मिक्स करके जो है प्रेशर कुकर को 2 से 3 मिनट के लिए लगा दूंगी ताकि हमारे जो आलू हैं अच्छे से गल जाएँ। सीटी को लगा दिया ताकि आलू अच्छे से गल जाए 2 से 3 मिनट के अंदर। आप देख सकते हैं सीटी बच चुकी है, आलू जो है हमारे गल चुके हैं। अब उतार के चेक कर लेते हैं कि कलर आया है आलू पर, ये नहीं, ये गल चुके थे और ये देखिए कलर भी कितना अच्छा आ गया आलू को। अब आलू ऐड करूँगी, आलू ऐड कर रही हूँ। अब फिर इसको चूल्हे पर चढ़ा के आलू ऐड करने, आलू ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं 1/2 किलो आलू का तो कलर कितना अच्छा आ गया, हल्दी डालने से जो है इसका कलर भी येलो येलो हो गया, बहुत अच्छा कलर आया है। कलर अच्छा आया है तो ऐड कर दिए।
आप देख सकते हैं सारे आलू ऐड कर दिए। अब इनको अच्छे तरीके से जो है बॉयल आने देनी है, और जो पानी बचा हुआ था इसका वो भी ऐड कर देना है। जो आलू बॉयल किए थे जो पानी बचा था हल्दी वाला वो भी ऐड कर दिया है बीच में। अब इनको अच्छे तरीके से जैसे बॉयल आने देना है। बॉयल आ गया, अब धनिया मिर्चें भी ऐड कर दूँगी। हलाना नहीं है चम्मच से, धनिया मिर्चें भी ऐड कर दूँगी। धनिया मिर्चें ऐड कर रही हूँ, आप देख सकते हैं धनिया मिर्चें काट के रख ली थी पहले सी, ये ऐड कर रही हूँ। और उबाइल भी अच्छे से आ रही है, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से आलू और कोफ्ते बन के तैयार हैं। उबाइल भी आ गई अच्छे से, आलू और कोफ्ते बन के तैयार हैं, आप देख सकते हैं। इसका फाइनल लुक एक प्लेट में भी डाल के बता देती हूँ। ज़ीरा भी ऐड कर दिया है, ये आप देख सकते हैं फाइनल लुक बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बने। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना। अगर मेरे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के आइकन को लाजमी प्रेस करें, और मेरे आने वाले हर वीडियो को पे लाइक कमेंट एंड शेयर कर दें ताकि आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता रहे। और देखते रहिए डेली आमना ब्लॉग, और दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।